हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनु और ये है मोटरसाइकिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कोई बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, देखिए, ये हमारे पास डिलक्स और ये है स्प्लेंडर प्लस और ये है अपाची। इसकी जब यदि पावर की बात करें तो इसका पावर है 100 cc और इसका भी 100 cc, ये दोनों पावर के मामले में सेम है। उसके बाद ये है 180 cc। यदि पावर की बात करें तो ये इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा पावर में है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हमारा ये मानना है कि जब मिट्टी के अंदर इनका अगर हम टोचन मारें तो कोई भी बाइक किसी भी बाइक को नहीं खींच सकती, ये आपस में भी नहीं खींच सकती और ये बाइक इसको भी नहीं खींच पाएगी। इसी चीज़ का आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले इन दोनों का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद इनमें से जो भी विनर होती है उसको इसके साथ लड़ाएंगे, और यदि ये इक्वल रहती है दोनों तो भी इसमें से एक बाइक को इसके साथ एक्सपेरिमेंट टेस्ट करके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यदि आपको वीडियो मजा आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उससे पहले हमें एक बार इन दोनों का टोचन बांध देते हैं। हाँ तो भाई, मैं तीन तक काउंट करता हूँ, जैसे थ्री बोलता हूँ स्टार्ट हो जाना, बाइक स्टार्ट कर लो अपनी। 1 2 3 स्टार्ट भाई, स्टार्ट स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ कंपटीशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए इसका इतना टायर नीचे जा चुका है और इसका भी इतना टायर, तो थोड़ा रकड़ में चलते हैं, उसके बाद करते हैं कंपटीशन को कंटिन्यू। तो चलो चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वहाँ पे मिट्टी बहुत ही ज़्यादा थी, तो वीडियो में कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के सामने आया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ज़मीन यहाँ बहुत ही ज़्यादा टाइट ज़मीन है, तो हमने सोचा चलो टाइट ज़मीन पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे करते हैं, फिर देखते हैं कौन सी बाइक विनर होती है, उसके बाद इसके साथ लड़ाएंगे और फिर देखते हैं। वीडियो मजा आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए लगाते हैं टोचन। हाँ तो दोस्तों, हमने दोनों बाइक को बांध दिया है और ये इसका टारगेट है, मैं टारगेट एक बार फिक्स कर देता हूँ। अब देखते हैं कौन सी बाइक जीतती है, तो मैं 3 बोलूंगा उस पर। दोस्तों ये देखिए, इस बाइक ने भी इस ज़मीन पर भी इतना ज़बरदस्त तरीके से गड्ढा कर दिया, और इसका देखिए तो इसका भी ये देखिए, इसने भी बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिया, लेकिन कोई भी बाइक किसी भी बाइक को नहीं खींच पाई। तो अब देखिए, हमारे पास एक बाइक और खड़ी है, ये है अपाची, जिसको बोलते हैं घोड़ा। अब इसकी पावर को और टेस्ट करके देखते हैं उस बाइक के साथ, क्या खींच पाती है कि नहीं खींच पाती। चलिए अब इसको बांध के देखते हैं। बाकी इन दोनों बाइक की बात करें तो दोनों बाइक बिल्कुल इक्वल है पावर के मामले में, और यदि यहाँ पे रोड होता तो शायद एक्सपेरिमेंट कुछ अलग देखने को मिल सकता था, बट रोड पे अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कभी रोड पे भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। अब उस बाइक के साथ उस बाइक का एक्सपेरिमेंट टेस्ट करते हैं। तो चलिए इनका भी सेटअप एक बार तैयार कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब की बार हमारे पास है स्प्लेंडर, जो कि 100 cc का इंजन है, ये है अपाची जो जिसमें 180 cc का इंजन है, ये हमने इसका टारगेट सेंटर टारगेट यहाँ पे लगा दिया है। अब देखते हैं इनमें से कौन सी बाइक जीतती है। तो मैं 3 गिनूंगा, अपनी बाइक स्टार्ट कर लो भाई।
तो दोस्तों आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा, इसका टायर देखिए जमीन में इतना धस चुका है और इस बाइक का टायर देखिए ये भी जमीन में इतना धस चुका है। और तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अपाचे के साथ दो बाइक का कंपटीशन करेंगे, देखते हैं इसको खींच पाती कि नहीं खींच पाती। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। से यही साबित होता है कि बाइक का शीशी कितना भी ज़्यादा शीशे का इंजन हो, मिट्टी में कंपटीशन नहीं हो सकता। किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन हम नहीं बता सकते। अब इससे डबल शीशी का इंजन है इसका, लेकिन ये बाइक भी इसको नहीं खींच पाई। तो इससे यही साबित होता है कि मिट्टी के अंदर बाइक का कंपटीशन कराने पर कोई भी बाइक, कितनी भी छोटी बाइक हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बाइक नहीं खींच सकती। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, पर हमारे एक्सपेरिमेंट का जो भी टारगेट था वो भी आपको समझ में आ गया होगा, हम क्या बताना चाहते थे आपको। यदि आपको वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल कर देना सब्सक्राइब। हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।